इस वीडियो में हम वी लुकअप और एच लुकअप फार्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरे पास जो है एक डेटाबेस है छोटी सी, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ हेडिंग को और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट करता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पे वी लुकअप, ठीक है। अब वी लुकअप के लिए वर्टिकल हेडिंग्स चाहिए होती हैं और ये हॉरिजॉन्टल्स हैं, तो इन्हें हम सिलेक्ट करेंगे और इन्हें कॉपी करेंगे। इस सेल पर राइट क्लिक करके पेज स्पेशल में जाएंगे और ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये वर्टिकल्स आ जाएंगी। फिर यहाँ पर सीरियल नंबर 1 लिखा है, यहाँ पर भी हम जो है 1 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ फार्मूला लिखेंगे इक्वल्स टू वी लुकअप। उसके बाद आपसे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू ये है कॉमा। उसके बाद टेबल एरे, ये पूरी टेबल दे देते हम। उसके बाद कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि जो आइटम है ये कौन से कॉलम में, 1 2 टू कॉलम में 2, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाते हैं और इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। ये पेंसिल लिखा आ गया, आइटम नंबर कॉलम नंबर 2 में पेंसिल थी, ठीक है। अब बार बार हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, इससे बचने के लिए हम इसे नीचे ड्रैग करते हैं अगर, तो यहाँ पर देखें आप एन ए एन ए लिखा आ जाता है। ये क्यों लिखा है, क्योंकि वैल्यू को जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। अब वैल्यू को फिक्स कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पर फार्मूला लगाता हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये रही हमारी, ऊपर F4 दबाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगी वैल्यू, कॉमा। उसके बाद टेबल देंगे, उसके बाद फिर F4 दबाएंगे, ये फिक्स हो जाएगी कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे से ड्रैग कर देंगे, सब जगह पेंसिल लिखा आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे। ये जो रेट है ये कॉलम नंबर 3 के अंदर है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 3 लिख देंगे। F2 दबाएंगे और यहाँ पर 4 कर देंगे, F2 दबाएंगे यहाँ पर हम 5 कर देंगे, ठीक है। इनको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं और अब आप देखिए पूरा रिकॉर्ड कैसे आएगा। 5 नंबर पे हमारे पास जो है, या 4 नंबर पे हमारे पास फाइल है। 4 जैसे ही हम टाइप करके इंटर करेंगे, आप देखें ये जो डाटा था पूरा ये वो यहाँ उठ के आ गया। तो ये वर्टिकली सर्च कर रहा है। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल सर्च, लुकअप का मतलब होता है सर्च। अब एच लुकअप को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डाटा जो है ये सारा हमें वो वर्टिकल नहीं, हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ पेज स्पेशल में जाएंगे और इसको कर देंगे ट्रांसपोज, ठीक है। ये सारा डाटा आप देखें वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, ट्रांसपोज के थ्रू, ठीक है। ये देखें वहाँ पर जो है सीरियल नंबर वर्टिकल में थे, यहाँ हॉरिजॉन्टल्स आ गई है। जितनी भी हेडिंग्स जो थी वहाँ हॉरिजॉन्टल थी, यहाँ वर्टिकल्स में आ गई हैं, ठीक है। तो एच लुकअप के लिए इस तरह डाटा को पुट किया जाता है, इस तरीके से डाटा नहीं रखा जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, मैं क्या करता हूँ इसको सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, ठीक है। हमें हेडिंग्स चाहिए ना, फिर राइट क्लिक करके पेज स्पेशल में जाता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो ये अब हमारी हेडिंग्स आ गई, ठीक है। यहाँ एक सीरियल नंबर लिख देता हूँ 1, जो कि यहाँ मौजूद है। हम ये रिकॉर्ड जो है ना वो सर्च करेंगे, ठीक है। तो इक्वल्स टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये री 1 कॉमा टेबल एरे, ये पूरा टेबल आ गया कॉमा। उसके बाद रॉ इंडेक्स नंबर, ये आइटम्स जो है ये 2 नंबर पे 2, 0 और इंटर प्रेस करेंगे। आप देखें यहाँ पर पेंसिल आ गया, ठीक है। अब मैं इस फार्मूला को यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, तो देखें क्या होगा, यहाँ पर एन ए आ जाएगा, तो मुझे बार बार फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को जो है वो फिक्स करते हैं। कैसे, इक्वल्स टू एच लुकअप, इस सेल का एड्रेस लिया हमने, ठीक है, ये वैल्यू थी, F4 दबाएंगे फिक्स हो जाएगा, डॉलर का साइन आ जाएगा, कॉमा टेबल लेंगे, अगेन F4 दबाएंगे डॉलर्स आ जाएंगे, फिक्स हो जाएंगी वैल्यू या एब्सोल्यूट हो जाएंगी, कॉमा रॉ इंडेक्स नंबर 2 था कॉमा 0 इंटर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसे ड्रैग करेंगे, जो हम इसे ड्रैग करेंगे सब जगह पेंसिल आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 लिख के इंटर कर देंगे, या इस सेल में आएंगे F2 दबाएंगे, 4 लिखेंगे इंटर, और यहाँ F2 दबाएंगे इस सेल पे और यहाँ 5, ठीक है। तो ये देखें अब आप जो है यहाँ पे मैं अगर 5 लिखता हूँ तो ये डाटा मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, यहाँ पर डबल डबल पेंसिल लिखा आ रहा है। अगर मैं 5 लिखूँगा तो ये डाटा उठ के आ जाएगा, ठीक है। ये देखें 5 मैंने लिख के इंटर प्रेस किया, इरेजर 350 और 15,000, ये देखें ये डाटा आ गया। तो बेसिकली ये डाटा को जो है
हॉरिजॉन्टली सर्च कराने के लिए होता है, और वी लुकअप जो होता है वो वर्टिकली सर्च कराने के लिए होता है। ठीक है, अब अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं एक मिसाल और देता हूँ आपको एच लुकअप फंक्शन की। यहाँ पर देखिए मैंने छोटा सा डेटाबेस बनाया हुआ है, यहाँ नेम्स हमने लिखे हुए हैं, ये रे नेम्स, उसके बाद यहाँ हमने सब्जेक्ट्स के नेम्स लिखे हुए हैं और ये नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें काम मिला है कि अहमद के जो हैं मैथ्स के नंबर ढूंढने हैं, ठीक है, या अली है, अली के हमें जो है वो मैथ्स के नंबर ढूंढने हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अली लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे इक्वल्स टू एच लुकअप, ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या है ये है हमारे पास, ठीक है, कॉमा टेबल एरे, ये पूरा टेबल दे देंगे कॉमा, और उसके बाद रॉ इंडेक्स नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 4 लिखेंगे कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 इंटर। अली के मैथ में 59 नंबर आए थे वो उसने यहाँ शो कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप अहमद लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 66 आ जाए क्योंकि वो इस रॉ पे चल रहा है। आप सलमान लिखेंगे तो क्या होगा, ये मैथ्स के नंबर सलमान के उठ के आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एच लुकअप फंक्शन वर्क करता है।